हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 मैथ क्लास 9 जो कि आपको 30 जुलाई 2021 को प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपने अभी तक वर्कशीट नंबर 9 नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पेस्ट है, आप वहां से भी जाकर लिख सकते हो। तो आज की हमारी टॉपिक है परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखते हैं नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं हमको पढ़ पढ़ कर, रिक्त स्थान भरना है। सबसे पहले इनके आंसर देखते हैं, उसके बाद आगे प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं इसके आंसर। तो बच्चों, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक श्यामपट्ट कितनी जगह घेरता है, आंसर क्या लिखा हुआ है? क्षेत्रफल। ठीक है, तो सेकंड है, सेकंड में आपको लिखना है आंसर। सेकंड में लिखा हुआ है, एक आयताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई क्या है? यहाँ लिख देना परिमाप। ठीक है ना, इसमें परिमाप के बराबर बाड़ लगेगा। ठीक है, अगला है तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक तिकोना पार्क के चारों ओर दो बार चक्कर लगाने पर आप कितनी दूरी तय करेंगे? तो इसमें भी आंसर थर्ड में भी लिख देना परिमाप। ठीक है, क्या लिख दोगे? परिमाप। अगला है फोर में देखेंगे, एक आयताकार स्विमिंग पूल को ढकने के लिए आपको कितने प्लास्टिक शीट की आवश्यकता होगी? यहाँ पर लिख देना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बराबर हमको आवश्यकता होगी। क्लियर है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आंसर ये फिल करने हैं, फिल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन है, अब कुछ एग्जांपल हैं, एग्जांपल को आप खुद करना। ठीक है, एग्जांपल कंप्लीट हो जाएंगे और जो फॉर्मूले लिखे हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, फॉर्मूले एक पेज पर लिख लेना और उसको याद कर लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, आइए अब आप प्रयास कीजिए। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल निकालिए। तो पहला है वर्ग, तो मान लो इसको हम मान लेते हैं आंसर वन। ठीक है, ये हमारा वर्ग हो गया। तो परिमाप निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप फॉर्मूला होता है 4 × भुजा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 4, भुजा दे रखा है 4, तो 4 × 16 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। फिर क्या निकालना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब वर्ग का ही है, तो फॉर्मूला होता है भुजा गुणे भुजा, क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। तो भुजा कितनी है, 4, तो 4 × 4, तो बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 4 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है ना, वर्ग का हो गया। अगली आकृति कौन सी है हमारी, अगली आकृति है आयत। ठीक है, तो आयत के लिए इधर देख लीजिए, इधर मान लो ये आंसर 2 मान लेते हैं आयत के लिए, पहले का सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप, यहाँ लिखेंगे आयत के लिए, आयत का परिमाप, तो फॉर्मूला होता है 2 (L + B) यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × 2, लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 3, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2, सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 = 5, ब्रैकेट हटेगा 2 × 5, बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, आयत का, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या लिख सकते हो LB। ठीक है, लंबाई 4, लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई है 2, तो बराबर 3 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का हो गया, ये आयत का हो गया। अगला हमारा क्या है, त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज के लिए देख लीजिए, मान लो तीसरा है हमारा, तीसरा, तो त्रिभुज के लिए हम यहाँ लिखेंगे परिमाप, तो त्रिभुज त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, मान लो तीनों भुजाओं का योग यानी a + b + c, तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, 5 + 5 + 6, तो बराबर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, 5 × 5 = 10, 6 × 16 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। फिर क्षेत्रफल बोल रहा है त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई, तो 1/2 × 2 × आधार, आधार क्या दे रखा है 6, ऊंचाई कितनी है 4, तो 2 से 2 में से कोई एक काट दो, मान लो इसको काट दो, 3 × 6 बचा क्या 3 × 4, 1 का कोई मतलब नहीं है, 3 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ फिल करना है। ठीक है, तो ये वर्ग का हो गया, ये वर्ग का हो गया, वर्ग का परिमाप
क्षेत्रफल, आयत का परिमाप क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन हो गए। सेकंड क्वेश्चन, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर 2 में, आंसर नंबर 2, वर्गाकार पार्क का परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दिया? 320 मीटर। तो इसका फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे, क्या होता है? 4 गुणे परिमाप 4 गुणे भुजा। फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा बराबर किसको होता है? परिमाप के। परिमाप दे रखा 320, तो भुजा बराबर 320 ऊपर रहेगा, नीचे इधर क्या आ जाएगा? 4 काटेंगे, 4 8 32 80 मीटर आ गया, भुजा आ गई। अब क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप के अकॉर्डिंग भुजा निकाल ली, क्षेत्रफल निकालना है, फिर लिखेंगे क्षेत्रफल। वर्गाकार है, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा गुणे भुजा। तो भुजा पर क्या रखेंगे? 80 निकाले हैं, 80 गुणे 80, इसको गुणा कर लेंगे, 8 8 64 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, परिमाप दिया था, भुजा निकाला फॉर्मूला अप्लाई करके, फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6400 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए या जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो और चौड़ाई 22 मीटर हो। तो अगला देखते हैं आंसर नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है? आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है? 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर किसके होगा? 440 के। तो क्वेश्चन में देखो लंबाई दे रखे हैं 22, क्या दे रखे हैं? 22, और चौड़ाई निकालना है, तो लंबाई पर 22 रख देंगे, चौड़ाई पर चौड़ाई रहने देंगे, बराबर 440 के। तो चौड़ाई बराबर 440 इधर है, बटे के नीचे इधर क्या आ जाएगा? 22 भाग कर देंगे, तो 22 गुना 44 20 मीटर क्या आ जाएगी हमारी चौड़ाई, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखे थे? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल रखा, फॉर्मूला इधर अप्लाई कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई दे रखे हैं 22, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 440, तो चौड़ाई बराबर 440 बटे 22 हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर। अगर आंसर चेक करना है तो 20 और 22 का गुणा करोगे 444 ही आएगा। ठीक है ना, क्षेत्रफल। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, उसका सलूशन आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।